ग्वालियर की हजीरा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा सवार दंपत्ति की जेब काटकर लाखों के गहने चोरी करने वाले कंजर गिरोह के एक सदस्य को कन्नौज से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से बेशकीमती पुश्तैनी जेवरात बरामद किए हैं। बरामद जेवरात की कीमत 22.5 लाख रुपये से अधिक है। पकड़े गए कंजर गिरोह के सदस्य का एक साथी अभी हत्या के प्रयास के मामले में कन्नौज जेल में बंद है। पुलिस उसे भी प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। जेवरात वापस मिलने पर फरियादी पक्ष ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस कर्मियों का सम्मान भी किया। वीओ दरअसल ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र से 23 मार्च को फरियादी संदीप सोनी निवासी ग्राम अमायन जिला भिंड के साथ यह वारदात उस समय हुई थी जब वह बस में बैठकर टमटम गाड़ी से चार शहर का नाका स्थित अपने घर जा रहे थे। तभी एक अज्ञात व्यक्ति भी उनकी टमटम गाड़ी में बैठ गया और उसने रास्ते में जेब काटकर पर्स सहित सोने के जेवरात चोरी कर लिए थे। घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर तक के 1500 सीसी टीवी फुटेज चेक किया तो दो बदमाश गोले का मंदिर से होते हुए भिंड की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को पता लगा कि दोनों बदमाश कन्नौज के रहने वाले हैं। इसके बाद पुलिस टीम बनाकर कन्नौज भेजी गई और कंजारडेरा से एक आरोपी नरेंद्र कंजर को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ ग्वालियर में जेवरात चोरी करना कबूल किया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 4 दिन की प्रोटेक्शन वारंट पर लिया और पूछताछ में उससे जेवरात बरामद किए हैं। आरोपी का दूसरा साथी राजीव विहार अभी कन्नौज में हत्या के प्रयास के मामले में बंद है। आरोपियों के कब्जे से करीबन 22.5 लाख रुपए के कीमती जेवरात बरामद हुए हैं। डॉट अपने पारिवारिक बेस कीमती जेवरात वापस पाकर परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस अधीक्षक और इस पूरी चोरी का खुलासा करने वाले पुलिस अधिकारियों का स्वागत भी किया। जी, मेरा नाम बबीता सोनी है। क्या कुछ घटना हुई थी आपके साथ आज? 23 मार्च को हम लोग अमायन से ग्वालियर के लिए आए थे, तो गोले के मंदिर से एक पर्सनल टैक्सी की टैक्सी में हम लोग बैठे, तो उसमें एक लंगड़ा बन के जो व्यक्ति आया, टैक्सी पर्सनल की थी चूँकि, लेकिन उसमें वो लंगड़ा बन के आया था, तो सिंपति के तौर पर उसको अपन ने अपनी टैक्सी में जगह दे दी। तो वो क्या हुआ, सामने की सीट पे जो बच्ची बैठी हुई थी, तो वहाँ बच्ची के पास मैं बैठ गई, वो मेरे हस्बैंड के पास आकर के बैठ गया। उसने क्या आधी फाइल अपने पैर पे और आधी फाइल इनके पैर पे रख रखी थी। उसी दौरान उसने ये प्रोसेस भी की और पहले इनकी जेब में जो गोल्ड था, वो गोल्ड धीरे धीरे करके उसने जेब काटी, उसमें से वो सोना पूरा निकाल लिया। जैसे ही जेब हल्की हुई तो इनको भी पता चला उसका, तो इन्होंने क्या किया, मतलब उसका पीछा भी करने की कोशिश की, लेकिन दो कदम पे ही, चूँकि मोटरसाइकिल लगी हुई थी उसके पीछे, तो मोटरसाइकिल पे बैठ के वो वहाँ से फरार हो गया। इस घटना की रिपोर्ट हम लोगों ने हजीरा थाना पे करवाई थी, तो इसकी उन्हीं लोगों की पुलिस आज सभी की मेहनत से आज के दिन इन लोगों को सफलता हासिल हुई है और हम लोगों का जो खोया हुआ सामान था वो हमें वापस मिला है। इसमें 23 मार्च 2024 एक चोरी का FIR दर्ज हुआ था महाराज पुराने बाग में थाना हजीरा में। इस घटना ऐसा है कि एक सोनी अपने परिवार के साथ भिंड के अमायन से बस में गोले के मंदिर में उतर के एक टमटम बुक किया। ये टमटम बुक किया तो एक और आदमी टमटम चालक से बात करके इनकी गाड़ी में बैठ गया। फिर चार शहर के नाके पहुँचते वक्त, हजीरा जा रहा था, चार शहर के नाके पहुंचते वक्त ये जो व्यक्ति जो सामने बैठा था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पैर में थोड़ा इश्यू है, मैं पास में बैठ जाऊं, तो इन्होंने अलाउ किया। वे फिर साथ में बैठ गया। जैसे ही चार शहर के नाके पहुंच गया, ये व्यक्ति ने गाड़ी रोक के भाग गया। तो जब ये भागा, जो फरियादी रियलाइज़ हो गया कि अपने जेब काट चुका है, इन्होंने भी पीछे भागा। बट वो व्यक्ति भाग के पीछे एक मोटरसाइकिल आ रहा था उनके साथ ही, तो मोटरसाइकिल के पीछे वाले सीट में बैठ के फरार हो गया। तो इस घटना को लेके थाना हजीरा में एक FIR दर्ज हो गया चोरी का, और इसमें नागेंद्र सिकरवा CSP DI शिवमंगल सिंह सेंगर इनके नेतृत्व में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसमें 3 टीम बनाया गया था, सब इंस्पेक्टर रागिनी बनहार परमार, सब इंस्पेक्टर संदेश भदौरिया और सब इंस्पेक्टर हरेंद्र भदौरिया। इन टीमों के नेतृत्व में लगातार इन्वेस्टिगेशन पिछले दिनों में कर रहा था, और ये फुटेज देख देख के ये लोग पहुंच गए यूपी का कन्नौज शहर में। तो 250 किलोमीटर ये जो गैंग, दो व्यक्ति का गैंग है, ये कंजर कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं,
ये लोग इधर से निकल के 250 किलोमीटर बिना रुक के कंटिन्यू ट्रैवल किया, वो पूरा हमने ट्रेस करके कन्नौज से इनका पता किया। कन्नौज से एक व्यक्ति, एक आरोपी को गिरफ्तार किया, पता चला कि दूसरा आरोपी जेल में बंद है अभी। तो उस आरोपी के पोसेशन से जो चला गया माल, उसमें बड़ी मात्रा में सोने का कुल 22 लाख के ऊपर का वैल्यू है उसका। ऊपर से इसमें एक नेकलेस है और एक कर्दोनी है, एक नेकलेस एंटिक वैल्यू भी है उसका, 100 साल के पुराना इनका फैमिली प्रॉपर्टी है। वो भी इसमें चोरी हुआ था, वो भी अभी रिकवर हो गया है। दोनों माल कुल मिला के 22,50,000 रुपीज़ का मशतूका है और कुल 300 ग्राम का सोने का है। ये दोनों अभी रिकवर हो गया है और एक आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है।